नमस्कार, मैं हूं शशि किरण और आप देख रहे खबर 24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। झालावाड़ में दो बच्चों की पानी में डूबने से हुई मौत, नया तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। रायपुर पुलिस थाने में विदाई समारोह हुआ आयोजित, थाना प्रभारी कल्याण सिंह को दी भावभीनी विदाई। पिड़ावा क्षेत्र में सोयाबीन फसल आई पीलिया रोग की चपेट में, सैकड़ों बीघा भूमि पर खड़ी सोयाबीन हुई चौपट। भगवान बलराम जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा, रायपुर क्षेत्र के बानोर गांव में हुआ आयोजन। दो दिवसीय खो खो कबड्डी प्रतियोगिता हुई संपन्न, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में हो रहा था आयोजन। भवानी मंडी में ईद मिलन समारोह हुआ आयोजित, जमात उल भिश्ती समाज द्वारा हुआ आयोजन। 6 साल से अलग रह रहे पति पत्नी का कराया राजीनामा, भवानी मंडी की परिवार कल्याण समिति द्वारा की समझाइश। अब खबरें विस्तार से। झालावाड़ शहर के नया तालाब के अंदर दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे अपने अन्य साथियों के साथ तालाब पर नहाने गए थे और वहां पर नहाते समय यह गहरे पानी में चले गए, इस वजह से दोनों बच्चे पानी में डूब गए। जैसे ही दोनों बच्चों के पानी में डूबने की खबर आसपास लोगों को लगी तो लोगों की भीड़ तालाब के किनारे जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और अपने गोताखोर के जरिए दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव तालाब के अंदर मिल गए। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे, एक तो फैजान उम्र 17 साल, दूसरा अयान उम्र 15 वर्ष, एक ही परिवार के हैं। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश पूरे कर दी है। भवानी मंडी समाज के युवाओं को अच्छी तालीम देकर उनको लोकसभा व विधानसभा में भेजे, जिससे समाज की बात राजनीतिक स्तर पर भी की जा सके। यह बात जमात उल भिश्ती समाज द्वारा आयोजित ईद मिलन समारोह के दौरान इंडियन शेख अब्बासी समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जाहिर अब्बासी ने कही। उन्होंने कहा कि आने वाले राज्यों में चुनाव में समाज के लोग आगे आए, वहीं शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को पूरी तरह से रोकी जाए एवं बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए, जिससे समाज के लोग रोजगार से जुड़ सके। अगर आप पैसे वाले हैं तो रिश्तेदारों के साथ दूसरे बच्चों को भी अच्छी तालीम दिलाएं। इस दौरान उस कमेटी के सदर अब्दुल समद खान, हारून मिस्त्री, मोहम्मद रज्जू, नईम सिकंदर खान, पप्पू शौकत अब्बासी, सलीम अब्बासी, निजामुद्दीन अब्बासी, अशरफ जाकिर अब्बासी, शामगढ़ आदि मौजूद थे। हमारी मांग पर, हमारे बुलावे पर अध्यक्ष महोदय से गुजारिश है, मेहरबानी करके अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पहली बार आपके इस ऐतिहासिक शहर में आने का मौका और आपसे रूबरू होने का, आबासी सिलसिले के बारे में आप लोग को विस्तार से बताया। गद्दियों पर वही दिल पे हुकूमत भी की हमारे बुजुर्गों ने कि उन लोगों को जब पानी की सप्लाई के लिए कोई टैंकर या कोई बड़ी बड़ी टंकियां नहीं बनाई जाती थी, उस वक्त हमारे कौम के बुजुर्ग कंधे पे मशक डाल के। रायपुर क्षेत्र के बानोर गांव में भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में ग्राम समिति द्वारा भगवान बलराम जयंती पर भगवान बलराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। तहसील अध्यक्ष धन सिंह गुर्जर ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सुनेल अध्यक्ष मनोहर लाल दांगी ने भगवान बलराम की जीवनी पर प्रकाश डाला। जिला मंत्री राधेश्याम गुर्जर ने किसानों के सभी उत्सव को भव्यता से मनाने की बात कही। इससे किसानों में समरसता, एकता और समानता का विकास होता है। भव्य शोभा यात्रा का सभी ग्रामीणों जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर युवा प्रमुख महेश मेहर, तहसील उपाध्यक्ष रामलाल डांगी,
रोशन सिंह, राकेश कारपेंटर, ग्राम महिला प्रमुख भगवती बाई सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। रायपुर पुलिस थाने में विदाई समारोह आयोजित किया, जिसमें रायपुर थाने से स्थानांतरित हुए थाना प्रभारी कल्याण सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर रायपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष हुकुम पाटीदार, राहुल सोनी, रामेश्वर पाटीदार, प्रकाश बाबूलाल, अनिल रवि बना, भेरूलाल, विष्णु बुध, राज सिंह, कई नागरिकों व जनप्रतिनिधियों ने फूल माला पहनाकर SHO कल्याण सिंह को विदाई दी। मुकेश मेहर ने बताया कि विदाई देने आए लोगों का कहना था कि SHO कल्याण सिंह का कार्यालय काफ़ी अच्छा रहा। उनके मिलनसार स्वभाव के सभी कायल थे। पिड़ावा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों पीलिया रोग ने सोयाबीन फसल को चपेट में लिया हुआ है, जिससे सैकड़ों बीघा भूमि पर खड़ी सोयाबीन की फसल चौपट हो गई है। किसानों द्वारा इसकी सूचना कृषि विभाग को दी गई। इस पर विभाग ने कृषि पर्यवेक्षकों को रोग की जांच के लिए खेतों में भेजना शुरू कर दिया है। ठटेरा गांव निवासी पूर्व सरपंच गोकुल सिंह ने बताया कि सोयाबीन में पीलिया रोग से पौधे के पत्ते पीले पड़ गए हैं तथा अविकसित फलियां सूखकर नीचे गिर रही है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। इस रोग ने पिड़ावा सहित ग्राम पंचायत रमाई, दलपत, ढाल, ढाबला भोज, कोटड़ी, दाता, हरनावदा, कोटड़ी, रामपुरिया, सरखेड़ी में सैकड़ों बीघा भूमि पर सोयाबीन फसल को चपेट में ले लिया। सोयाबीन की फसल जो पीली पड़ रही है, इसके बारे में बहुत मेहनत कर रहे हैं हम भी, और हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद ही किनारे चल रही है। आज भी हमारे पास गाँव से एग्रीकल्चर वाले भाई साहब को लेकर आया हमें, बाकी इन्होंने भी हमें अच्छी सलाह दे रहे हैं। ठीक है, वो दवाई भी डालेंगे, बाकी हमारी फसल तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। पीलापन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। पिड़ावा में शनिवार को कस्बे में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय 2 दिवसीय खो खो एवं कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस अवसर पर आयोजित समापन समारोह की अध्यक्षता उप जिला प्रमुख भागचंद दांगी ने की, जबकि तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद शर्मा मुख्य अतिथि रहे। वहीं जिला संघ चालक बने सिंह, विद्या भारती जिला सचिव मुकुट बिहारी यादव, जनपद रणजीत सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। प्रधानाचार्य भगवान सिंह गुर्जर ने मंचासीन अतिथियों का परिचय व स्वागत किया। वहीं सरोनिया प्रधानाचार्य रामस्वरूप सोनी ने प्रतिवेदन रखा। राम समारोह की शुरुआत सरस्वती पूजा वंदना के साथ हुई। विद्यालय मीडिया प्रभारी पवन वैष्णव ने बताया कि जिला स्तरीय खो खो व कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के पिड़ावा, सरोनिया, बकानी, सुनेल, झालावाड़, मनोरथाना, असनावर, रटलाई, डग, चौमहला, मिस्टोली व रामनगर भवानी मंडी की टीमों ने भाग लिया। कबड्डी प्रतियोगिता में आदर्श विद्या मंदिर सरोनिया की टीम विजेता रही। वहीं खो खो प्रतियोगिता में मनोर थाना की टीम प्रथम रही। समारोह में अतिथियों ने विजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। खंड संघ चालक विष्णु पाटीदार ने अतिथियों व सहयोगियों का आभार प्रदर्शन किया। विशिष्ट अतिथि रणजीत सिंह चौहान ने प्रतियोगिता समापन की घोषणा की। इसके बाद अतिथियों द्वारा ध्वजा उतार कर सौंपी गई। इस अवसर पर जिला कार्यवाहक सूरजमल नागर, किसान संघ तहसील अध्यक्ष धनसी गुजर, शाला प्रबंधक, समिति सदस्य, गणमान्य अतिथि व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सम्माननीय महानुभावों के द्वारा भी ध्वजा उतरण किया जा रहा है। श्रीमान मुकेश जी नाथ, जिला खेलकूद प्रभारी, उपस्थित। भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र के मंत्रालयिक कर्मचारियों की बैठक तहसील कार्यालय पर रविवार को संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारी उपस्थित हुए। बैठक में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर उपखंड क्षेत्र भवानी मंडी के समस्त कर्मचारियों ने भी 5 व 6 सितम्बर को विभागों सामूहिक रूप से अवकाश पर रहकर कार्य में बहिष्कार करने का निर्णय लिया। संगठन मंत्री विनीत जैन तथा ब्लॉक अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों की 3 मांग ग्रेड में 3600 सचिवालय के समान वेतन भत्ते व पदोन्नति के अवसर दिए जाने के संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं करने के विरोध एवं महासंघ के आह्वान पर उपखंड क्षेत्र के मंत्रालय कर्मचारियों ने 5 व 6 सितम्बर को सामूहिक रूप से अवकाश पर रहकर कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
भवानी मंडी परिवार कल्याण समिति जिला विविध सेवा प्राधिकरण ने शादी के बाद करीब 6 सालों से ही अलग रह रहे पति पत्नी को साथ रहने की समझाइश कर साथ भेजा। अध्यक्ष राधेश्याम काला, सदस्य मोहित जोशी व राम गोपाल गुप्ता ने दहेज उत्पीड़न के परिवार में पगारिया थाना क्षेत्र खोलखेड़ी निवासी संगीता बाई पुत्री मांगू सिंह का विवाह भवानी मंडी थाना क्षेत्र के खेजड़िया खाल निवासी प्रहलाद सिंह पुत्र कालू सिंह से करीब 6 साल पहले हुआ था। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसने उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। दोनों को आपसी समझाइश करने से पति पत्नी रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हुए आपसी सहमति का शपथ पत्र समिति के समक्ष पेश किया। समिति के अध्यक्ष राधेश्याम काला ने बताया कि संगीता के दहेज उत्पीड़न परिवाद की जाँच एवं काउंसिलिंग के परिणाम स्वरूप ही दोनों ने आपसी सहमति से राजीनामा हो गया। भवानी मंडी श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ की बैठक में सर्वसम्मति से अशोक लोढ़ा को लगातार 3री बार समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस दौरान प्रसन्न लोढ़ा, पारस जैन, यशवंत गांग, जितेंद्र सुनारा, पुखराज डंडा व महावीर बाफना आदि मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।